हेलो फूडी, वेलकम टू माय चैनल। झटपट से पोहे की रेसिपी रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक बाउल में एक कटोरी पोहा, और इस पोहे में हम लोग पानी डालेंगे सेम कटोरी से सेम क्वांटिटी में, कि इतना पानी डालना है कि पोहे जो है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आप पोहा कोई भी फ्लैट यूज़ कर सकते हैं, मोटा पतला कोई भी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड लिया है। 4 ब्रेड को मिक्सर में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर देंगे यहाँ पे तोड़ के। आप यहाँ पे कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन मल्टीग्रेन कोई भी ब्रेड ले रहे हैं, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम लोग एकदम फाइन पाउडर की तरह। उसके बाद हम लोग चलते हैं पोहे की तरफ। तो पोहा यहाँ पे मेरा अच्छे से फूल चुका है। अब हम लोग इसको हाथों से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से पोहे को मैश करना है। और जब एक बार पोहा मैश्ड हो जाए तो उसमें हम लोग जो ब्रेड हमने ग्राइंड करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हम लोग सभी मसाले को डालेंगे। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, देन उसके बाद 1 टेबल स्पून भुनी हुई जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कूटी हुई लाल मिर्च, यहाँ पे जो चिली फ्लेक्स होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, इससे जो होता है टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून दही डाल देंगे और सबको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें और स्वाद बढ़ाने के लिए हम लोग डालेंगे इसमें बारीक कट के हुए अनियन यानी प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता। तो सबको बारीक कट करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे मोटा करते हैं ना तो शेप नहीं पकड़, शेप होल्ड करके नहीं रखेगी। तो सबको जितना बारीक आप कट कर सकते हैं उतना बारीक कट करके इसमें डाल दें। उसके बाद हम लोग इसे आटा जो लगाते हैं ना उसके तरह लगा लेंगे। थोड़ा सा चिपचिपा होगा, तो जब आप लगाने के बाद अच्छे से हाथ को वॉश कर ले, उसके बाद उसमें कोई भी तेल या रिफाइन लगा ले, देन उसके बाद इसको शेप दे। ये बहुत अच्छे तरीके से शेप को होल्ड कर लेती है। तो एक छोटा सा लोई की तरह लेंगे हम लोग, इस तरीके से पहले गोल कर ले, उसके बाद बीच में हम लोग इसे एक होल कर देंगे। तो ये मेदू वड़ा का शेप देगी, बहुत ही अच्छा इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखें यहाँ पे इसी तरीके से सभी जो डो हमने बनाया है उसे बना लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कढ़ाई को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, उसके बाद इसमें हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप हाई फ्लेम पे ही रखें तेल को, उससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसमें। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमें बहुत पकानी है, जैसे मैदा वगैरह होता है जो बहुत पकानी रहती है, वैसा कुछ भी कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हाई फ्लेम पे आप गोल्डन ब्राउन या रेड होने तक इसे फ्राई कर लें, उसके बाद एक अलग प्लेट में निकाल लें। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं पैन में, हल्का हल्का जैसे टिक्की कैसे शैलो फ्राई करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्रिस्पी वड़ा आप बोल सकते हो जो भी, वो रेडी हो चुका है पोहे से बना हुआ और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, थैंक।